पढ़ाने जा रहा हूँ। घर की याद, कक्षा 11वीं है, आरओ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है और कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है सन 1913 तिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित, दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, ई नमम आदि। इनको जो प्रमुख सम्मान मिला है वह इस प्रकार है। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं इनको पद्मश्री अलंकृत भी पुरस्कार मिला है। इनकी जो मृत्यु हुई है सन 1985, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी जिन कवियों को सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाड़मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक् विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मी स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्यम संगाथा की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की वेदना नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक ना होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सलाती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होने चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा जो ये रचित कविता है घर की याद, उसका जो भाव है, उसका जो सारांश है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। घर की याद कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं।
प्रस्तुत कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से दूर रहने की पीड़ा सलाती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके प्रविष्ट होते जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक स्मृति कविता की केंद्रीय संवेदना है। गांधीवाद में गहरी आस्था रखने वाले सहज लेखन एवं सहज अस्तित्व के पर्याप्त भवानी प्रसाद मिश्र ने 1942 में गांधी छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी गई इस कविता में उन्होंने एक दिन जब कवि अचानक सावन के बादलों को घेरते देखता है तो उसे अपने घर पर परिजनों की याद आने लगती है। कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं। एक विवाहिता है, बहन है जो सावन में घर आई हुई है। परिवार के सभी सदस्यों में अत्यधिक प्रेम है। कारावास में बंद कवि अपने शोकाकुल परिवार के बारे में सोच सोच कर दुखी है। कवि को अपनी माँ की याद आती है जो अनपढ़ होने के कारण पत्र नहीं लिख सकती है। कवि अपने पिता को याद करते हुए लिखता है कि वे इस उम्र में भी मन से युवा हैं, हंसमुख हैं, स्वभाव के मस्तमौला हैं व्यक्ति हैं। उनके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जो नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं। कवि अपने पिता का स्मरण करके भावुक होता है। वह कल्पना करता है कि उसके पिताजी को आज अपने इस 5वें बेटे की याद सता रही होगी। वे उसे सोने पर सुहागा कहते हैं। ऐसे कठिन समय में उनकी माँ ही पिताजी को धड़ास बंधा रही होगी। वह कह रही होगी कि अपना भवानी देश सेवा के उस मार्ग पर चल पड़ा है जिस पर चलने के लिए स्वयं अपने उसे प्रेरित किया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो क्या कुल और मेरी कूप को ना लग जाता। समझदार पिताजी भी अपनी समस्त भावनाओं पर नियंत्रण करके ऐसी परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे होंगे। कवि सावन से आग्रह करता है कि वह स्वयं चाहे तो जमकर बरसे, किंतु उसके पिता की आंखों से एक बूंद भी ना निकल पाए। वह उसके घर जाकर परिजनों को उसकी सलामती का संदेश दे, उन्हें बताए कि उनका भवानी यहाँ जेल में खुश एवं हस्तपुष्ट है। उन्हें किसी भी दशा में मेरी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। वास्तव में कभी अपने पिताजी को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहता है। इसका पहला जो काव्य है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है, जो घर खुशी का पूर है। इसके जो संदर्भ है, प्रसंग है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जो इसका संदर्भ है वह इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश
हमारी पाठ पुस्तक आरोह के पाठ घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रसंग है वह इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में कविता का गांधी कहे जाने वाले कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने कारावास प्रवास के समय सावन की बारिश को देखकर अपने घर की याद आने का सजीव वर्णन किया है। इसकी जो व्याख्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कवि बताता है कि बाहर वर्षा हो रही है, बहुत पानी बरस रहा है, पूरी रात तेज मूसलाधार बारिश होती रही है। इस बरसात ने उसके प्राण और मन पर गहरा प्रभाव डाला है। बारिश की बूंदों के साथ साथ उसका मन अपने घर की यादों में डूब जाता है। उसका घर इस कारावास से बहुत दूर है, वह घर जो खुशियों और सुखद स्मृतियों का भंडार है। वास्तव में बरसात को देखकर कवि को अपने घर की बहुत याद आ रही है। इसका जो काव्य सौंदर्य है अत्यंत सरल है। भाषा भावा व्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। दूसरा है इसका अनुप्रयास अलंकार है। तीसरा है शान रस विद्वान है। चौथा है प्रसाद गुण युक्त चित्रात्मक भाषा शैली है। पांचवा है छोटे छोटे वाक तथा अद्भुत तुकबंदी मनमोहक है। बच्चों घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र जब कारावास में रहते हैं तो उन्हें अपने घर की बहुत अधिक याद आती है। उनके बारे में मैंने आपको बताया है, उनका जीवन परिचय बताया है और जो ये पद्यांश है जो ये कविता है उसका मैंने भाव आपको बताया है, सारांश बताया है और पद्यांश के बारे में भी आपको मैंने बताया है। पीडीएम में इसके और भी जो पद्यांश हैं वो दिए गए हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए और अध्ययन करिए और कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं।